हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट पर, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला सवाल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट करेंट लूप ए बी सी डी ई एफ ए। Each side of the loop is 10 centimeter long and current in the loop is I equal to 2 ampere. तो ये दिया है, तो इनका हमको नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमको फाइंड करना है। तो यहां पे करंट दिया हुआ है, तो करंट से आप देखिए क्या है, ये बुक टाइप में है, परपेंडिकुलर इस टाइप से ये बन रहा है, ये इस टाइप से यहां फिगर बनेगा, ये इस टाइप से। तो इसका देखिए ये यूं, इसका इस डायरेक्शन जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा इसका इस साइड जाएगा और इसका इस साइड जाएगा नीचे। मतलब ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, किसी भी साइड जाए रहेगा परपेंडिकुलर, ऐसा रहेगा, इस डायरेक्शन जाएगा, इस डायरेक्शन ये हो गया और ये इस साइड होगा, तो इसका भी यूं रहेगा। मतलब इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे रहा होगा, ऐसे ये जा रहा है तो यहां भी होना चाहिए, इसमें कोई करंट नहीं हो रहा है, इसमें नेट करंट जीरो है, इसमें नेट करंट जीरो है, आई बी ई इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। ये प्रॉब्लम में इतना दिया था। अब नीले कलर से जो भी हम लिख रहे हैं वो सब क्या है, सोल्यूशन के लिए। तो यहां नेट करंट जीरो कैसे किया जाए और हमारा काम भी हो जाए, तो एक काम करते, इस करंट को मान लेते हैं इधर आया है, ये वाला करंट इधर आ रहा है और इधर जो करंट जा रहा है इसका कुछ भाग यहां भी गया है, ऐसा मान लीजिए। तो नेट करंट क्या हो गया, ये टक्कर मार के अंत में क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हमारा काम भी हो गया कि इसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अंदर की ओर और इसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस तल के अंदर की ओर, तो ये दोनों रहेंगे क्या, परपेंडिकुलर। तो अब इसका सोल्यूशन देखा जाए, दियर मैग्नेटिक मोमेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये देखिए परपेंडिकुलर, तो हमें हेंस एम नेट। तो यहां इसका फायदा उठाना चाहिए, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के, तो आपका ये कंसेप्ट बनेगा, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, या इसे कर सकते हैं m अंडर रूट 2, मतलब इतना हमारा आया। लेकिन हमारे पास वैल्यू है, m इज इक्वल टू होता है आई ए अंडर रूट 2, m इज इक्वल टू आई ए होता है, अंडर रूट 2 पहले से यहां है। अब वो i की वैल्यू 2 एम्पियर दिया है और देखते हैं क्या होता है, आई ए एक स्थान पे पाई आर स्क्वायर अंडर रूट 2। अब हम पहले आई के स्थान पर रखेंगे 2 एम्पियर और ये स्क्वायर दिया है, कह दिया है ईच साइड जो है, हाँ देखिए ईच साइड ऑफ द लूप इज 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक साइड का लूप क्या है, सब 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर है तो साइड गुणे साइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर मीटर में 0.1 × 0.1 आई ए हो जाएगा साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर हो गया इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का मान 1.41 आगे होता है, बस इतना ही लिया जाए। हाँ अब देखें तो ये हो जाएगा 2 × 14 लिख देते हैं × 10⁻³, ये यहां एक गुणे दगाते माइनस एक, एक गुणे दगाते माइनस एक, एक गुणे इतना गुणे दगाते माइनस एक, दगाते माइनस तीन, 14 × 28, तो 28 × 10⁻³ होगा या 2.8 × 10⁻², मात्रक क्या होगा, एम्पियर
मीटर स्क्वायर, या इसे ऐसा भी कह सकते हैं पॉइंट 0.028 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये किया है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल हमसे कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हाँ, तो फिगर दिया हुआ है और फिगर में आई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसका डायरेक्शन फिगर में स्पष्ट है। तो एट पॉइंट ओ पे हमें नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमको चाहिए। तो ध्यान दिया जाए, ये पहली बात हाफ सर्किल हो रहा है, तो इसके कारण छोटे वाले रेडियस R2 वाले के कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा। और जो बाहर वाला है, बाहर वाले के कारण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर होगा। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए जाहिर है घटाना होगा। तो हम करंट वाला केस भी एक ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं कंपटीशन लेवल के जो कि आए हुए हैं, या बोर्ड लेवल पर भी जरूरी है। हाँ, देखा जाए, एक वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, एक वर्टिकली अपवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए हमें घटाना होगा। तो चलिए M1 ज्ञात कर लेते हैं पहले। M1 क्या होगा? तो M1 मतलब ये वर्टिकली डाउनवर्ड। तो M इक्वल टू होता है आई ए या आई पाई आर वन स्क्वायर बाई टू। पूरे सर्किल का जो एरिया होता है, पूरे सर्किल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और आधा है, हाफ ही है, तो जाहिर है एक बटा दो लगाना होगा। हाँ, तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो मैं यहां क्रॉस कर देता हूं। अब देखिए एम टू निकाल लेते हैं, आई ए टू, चलो इस टाइप लिख देते हैं, तो आई इन टू पाई आर टू स्क्वायर बाई टू। हाँ, ये देखिए वर्टिकली अपवर्ड, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। सॉरी सॉरी, थोड़ा गलती हो गया। R1 वाला फिगर ये है, R1 का रेडियस ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला है, तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा। और ये R2 छोटा वाला है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। यस, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कौन ज्यादा है, R1 स्क्वायर। R1 का मान ज्यादा है तो जाहिर है बाकी तो सब सेम है, R1 का मान ज्यादा है, R2 का मान कम, तो जाहिर है M1 की मान ज्यादा है, M2 का मान कम। तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M नेट इक्वल टू हो जाएगा M1 माइनस M2। तो M1 है M1 माइनस M2, तो I इंटू पाई बाई टू, ये सब में है, चाहे तो आप कॉमन ले लें। तो अंदर आएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और डायरेक्शन किसका इफेक्टिव होगा, जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा उसी का डायरेक्शन इफेक्टिव होगा। तो I इंटू पाई बाई टू हमने बाहर कर लिया, अंदर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर है। ये रहा आपका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल हमसे कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर दिस फिगर। एक फिगर ये है, एक फिगर ये, इन दोनों दशाओं के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो देखते हैं इसमें, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस 3 मीटर है, और उसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कह रहा है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताइए। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है, एम इक्वल टू होता है आई इंटू ए, आई 2 एम्पियर हमको मालूम है। हाँ, तो यहां पे हमें ये वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे कैप,
और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर के कैप होता है, ये हमारी जानकारी में होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखते हैं आई की वैल्यू 2 एम्पियर, पाई में ही रहने देते हैं, इसका रेडियस 3 × 3 है, ये भी ठीक है। 3 × 9 = 18 पाई, इतना आंसर है। वेक्टर फॉर्म में ये कह रहा है तो थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये एक्स और जेड प्लेन में है, और देखिए एक्स और जेड प्लेन में है तो ये करंट यूं फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। ऊपर की ओर मतलब वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है। यस, तो अब ये रहा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 18 पाई जे कैप। अगर यूनिट लिखना चाहे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर है ही है ये। तो ये रहा पहले वाले का सोल्यूशन। अब देखते हैं बी वाले का सोल्यूशन क्या है। बी वाले का भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चाहिए, तो ये जो है इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन गए रहा, अभी ये नीचे की ओर दे देता तो निगेटिव जे कैप लगाना पड़ता हमको। अब इस फिगर में देखिए, यहां भी एम इक्वल टू आई ए, आई 2 एम्पियर यहां भी है, और ये रेक्टेंगल है 2 मीटर और 3 मीटर लॉन्ग है, इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर। ध्यान दें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है एक्स वाई प्लेन में बना है, तो इसका जो डायरेक्शन जाएगा वो जेड डायरेक्शन में या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव। जेड डायरेक्शन का में यूनिट वेक्टर जो होता है वो के कैप होता है, तो के कैप, अगर ये वर्टिकली अपवर्ड होता तो प्लस के कैप हम लगाते, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो जाहिर इसके आंसर में हम लोग माइनस जेड कैप, माइनस जो है के कैप लगाएंगे। यस, एक्स वाई प्लेन में है जिसका परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का वो जेड वाले प्लेन में होगा, जेड में वो भी नीचे की ओर हो रहा है, इसलिए माइनस के कैप यहां लगाना होगा। ध्यान दें तो इसका फार्मूला वही एम इक्वल टू आई ए है। चलिए देखते हैं, ये मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, लास्ट में वेक्टर लगा देंगे। अभी एम आई, आई है 2 एम्पियर, ए गुणे बी तो 3 गुणे, हाँ 3 × 6 × 12, 12 और इन ब्रेकेट माइनस के कैप, बस इतना ही इसका जवाब है, इतना छोटा सा। तो आई 2 एम्पियर दिया था और ए रेक्टेंगल के एरिया लेंथ गुणे ब्रेथ हो गया, तो 3 × 6 × 12 माइनस के कैप। यहां कीमती लाइन जो है वो डायरेक्शन के कैप है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन गिवन फिगर। तो फिगर में ये इस टाइप से दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में एक फिगर हो रहा है, ये इस टाइप से होगा, एक्स वाई प्लेन में एक रेक्टेंगल है और फिर एक्स जेड प्लेन में एक रेक्टेंगल है, इनका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट हमें चाहिए, तो इसे फिगर 1 नाम दे देते हैं, इसे 2। चलिए देखते हैं। अब यहां देखिए, यहां पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ये वर्टिकली अपवर्ड होगा इस डायरेक्शन में। अब यहां ये इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये देखिए इसका इस डायरेक्शन में, ये तो इस टाइप से हो रहा है, इस टाइप से फिगर है, तो इस डायरेक्शन में हो गया। अब ये आपका यूं हो जाएगा, ये ऐसे, तो इसका इस डायरेक्शन, तो ये इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर हो रहा है। यस, तो वेक्टर फॉर्म में ये जुड़ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो ये जुड़ जाएगा। हाँ, तो यहां पे एक्स वाई जेड ये लिखा हुआ, तो हमें जो कुछ लिखना है वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए पहले वाले के लिए इसका देखते हैं, तो यहां पे हो जाएगा एम वन वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आई ए, आई ए, आई करंट फ्लो कर रहा है और इसका लेंथ एल ए है और ब्रेथ बी है, तो ये आपका आया, तो आई वेक्टर ए,
आई है आपका आई ही दिया है और एरिया हो जाएगा ए बी, आई ए एरिया लेंथ गुड़े ब्रेथ, ए गुड़े बी हो गया। अब इसका डायरेक्शन ये देखिए, इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जाएगा, एक्स वाई प्लेन में तो ये फिगर ही है, इसका डायरेक्शन जेड प्लेन में जाएगा और ये ऊपर साइड हो रहा है तो जाहिर पॉजिटिव लिया जाएगा और जेड के लिए यूनिट वेक्टर क्या है के कैप। चलिए एम वन हो गया, अब एम टू की बारी, एम टू निकाल लेते हैं। एम टू वेक्टर हो जाएगा आई वेक्टर ए, यहां के लिए भी लिखेंगे। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, आई आई ही रहेगा, ए बी रहेगा, ये भी ठीक है। हाँ यहां भी अभी देखिए एक्स और जेड प्लेन में है तो इसका डायरेक्शन ये जा रहा है, तो वाई डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। इतना हो गया नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वेक्टर फॉर्म में ये है ना, वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे जुड़ जाएगा, जब कोई चीज लंबवत होता है तो वेक्टर फॉर्म में जुड़ जाता है। तो एम नेट ये हो जाएगा वेक्टर एम वन प्लस वेक्टर एम टू, वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही जुड़ना है। तो ये तो आई ए बी के कैप प्लस आई ए बी जे कैप, तो इसे आई ए बी कॉमन ले लेंगे हम, ब्रेकेट आएगा के कैप प्लस जे कैप, कोई बात नहीं। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस डायरेक्शन इस दशा में मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, जो आई जे के का गुणांक होता है उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस करते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यह मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो कोई बात नहीं जी। और ऐसे अगर इसको केवल मैग्नीट्यूड में ख्याल करें तो आप देखिए इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर, तो ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस प्रमेय से तब भी निकाल लेंगे गुणांक, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, वर्गमूल ले लेंगे, आ जाएगा। तो यम नेट, हाँ तो इसका ये डायरेक्शन, तो यम नेट कोई कहे मैग्नीट्यूड में अगर चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, तो आई ए बी का स्क्वायर प्लस आई ए बी का स्क्वायर, तो ये अंदर आ जाएगा दो गुणे आई ए बी का होल स्क्वायर, तो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा आई ए बी अंडर रूट टू, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका सोल्यूशन, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज का लास्ट सवाल, पांचवा सवाल देखा जाए, फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन गिवन फिगर। तो ये इस टाइप से दिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब की बार ये किस प्लेन में है ये कंफर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल के साथ दिया हुआ है ए बी साइड, तो हमको एरिया वेक्टर निकालने में एम इक्वल टू आई ए कितना आसान होता, आई हमको दिया है, एरिया हमको निकालना है, एरिया के लिए जैसे ए बी क्रॉस बी सी ले लेंगे, ये भी रेक्टेंगल जैसा ही है लेकिन अब एरिया वेक्टर फॉर्म में हमको निकालना पड़ेगा, यहां साइड डिवाइड होगा, प्रत्येक साइड क्या है ए है, तो अब ये इस एक्सिस के लिए, इस एक्सिस में जो होगा ये हो जाएगा ए कॉस 60 डिग्री और इस डायरेक्शन में जो होगा वो ए साइन 60 डिग्री, इस डायरेक्शन में ये होगा, तो ए बी साइड कितना होगा वेक्टर, ए बी साइड हमारा वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन 60, ये आई कैप एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट ये पड़ेगा और इसका एक कंपोनेंट वाई एक्सिस जेड एक्सिस डायरेक्शन में पड़ेगा, प्लस ए कॉस 60 डिग्री के कैप, एक तो ये आ रहा है ए बी साइड इतना आ रहा है, तो ए साइन 60 का मान रूट 3/2 आई कैप प्लस ए कॉस 60 का मान है 1/2 के कैप, तो ये साइड ए बी आया। चलो बी सी साइड भी लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, बी सी ये आई, तो बी सी वो ए है, साइड लंबाई ए है, तो ए और वो ए जे कैप होगा वेक्टर फॉर्म में, बी सी जो लेंथ लिखा जाएगा वेक्टर बी सी इक्वल टू इसकी साइड ए और ये वाई एक्सिस डायरेक्शन में पड़ रहा है तो जी कैप लगा दिया। अब एरिया वेक्टर निकालना है, एरिया वेक्टर हो जाएगा
वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, कोई लगातार दो साइड का क्या कर दे, ए बी क्रॉस बी सी, तो ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इसके हो जाएगा, ये जिस प्लेन में रहेगा। हाँ, तो ए बी आपका साइड आया है ये ए अंडर रूट थ्री बाई टू प्लस, हाँ इतना आई कैप ए बाई टू के कैप, ये हो गया हमारा ए बी। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी सी, बी सी है ए जे कैप, चलिए इतना हुआ। अब क्रमबद्ध तरीके से गुणा किया जाएगा इसका इसमें, तो ए गुणे ए, ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर अंडर रूट थ्री बाई टू, इतना आया, ये आया आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस इसका इसमें क्रॉस करिए। क्रम आप चेंज आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि आप क्रॉस गुणन के कंसेप्ट को जानते होंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, यहां हो जाएगा के कैप क्रॉस जे कैप, ये आगे पीछे क्रम आप नहीं कर सकते यहां पे। तो चलिए अब देखते हैं आई क्रॉस जे, शायद आपको मालूम हो कंसेप्ट, ये होता है हाँ ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आई कैप यूनिट वेक्टर, अगर इधर की ओर चलते हैं आई जे के, अगर आप इधर की ओर चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट वेक्टर में बताया गया है, अगर आप इधर की ओर चलते हैं तो निगेटिव लेते हैं, इधर मतलब आई क्रॉस जे प्लस के कैप आएगा, जे क्रॉस के प्लस आई कैप आएगा, और के क्रॉस आई प्लस जे कैप आएगा, ये होता है। अगर आपने उल्टा चला है तो निगेटिव आ जाएगा, इधर की ओर चलने पर पॉजिटिव, इधर की ओर चलने पर निगेटिव, यस। तो चलिए प्रयोग करते हैं आई क्रॉस जे का, आई क्रॉस जे का लंबवत यूनिट वेक्टर के कैप यहां प्रयोग करेंगे, तो ए स्क्वायर अंडर थ्री बाई टू के कैप, चलिए ए स्क्वायर बाई टू के क्रॉस आई, के क्रॉस जे दिया है, ठीक है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के होता तो ये पॉजिटिव लिखते लेकिन ये उल्टा हो रहा है, के क्रॉस जे हो रहा है, तो के क्रॉस जे ये हो जाएगा माइनस आई कैप, ये चीज यहां पर आ रहा है। या इसे लिख सकते हैं ए अंडर रूट थ्री अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट थ्री अपॉन के कैप माइनस माइनस ए स्क्वायर बाई टू आई कैप, ये माइनस बाहर भी ले सकते हैं। तो ये एरिया वेक्टर अभी हम लोग निकाले और हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट होता है एम इज इक्वल टू क्या आई ए, आई वेक्टर ए, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, एम के स्थान एम वेक्टर एम बराबर आई, आई से केवल क्या करना है गुणा, और आई करंट ही क्या हो रहा है फ्लो कर रहा है, बाकी सब यही रहेगा आई, चलो ये वेक्टर फॉर्म में तो होता नहीं आई, ऐसे लिख दी एरिया वेक्टर के स्थान पे वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट थ्री बाई टू के कैप माइनस ए स्क्वायर बाई टू आई कैप, इतना हो गया। हाँ, आप चाहे तो ए स्क्वायर बाई टू बाहर भी ले सकते हैं, तो जैसा आपका ऑप्शन वगैरह रहेगा उसी हिसाब से आप काम करिएगा, आई ए स्क्वायर बाई टू बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट थ्री के कैप माइनस आई कैप, ये वेक्टर फॉर्म में आया है आई ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है, अंडर रूट तीन के माइनस अंडर रूट तीन के कैप माइनस आई कैप, ये आई करंट है और ये के कैप आई कैप जो दर्शा रहा है वो डायरेक्शन को दर्शा रहा है, यस। ये तो रहा वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नेट डायपोल मोमेंट, अगर आप मैग्नीट्यूड चाहिए तो आई के गुणांक का स्क्वायर के गुणांक का स्क्वायर का एड करिए फिर उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपको वो भी पता चल जाएगा अगर आपको आवश्यकता है तब। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, इस यहां भी हम जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाले हैं, इस टाइप के कंसेप्ट भी अगर किसी कोण वगैरह पर है तो उसको हमको कंपोनेंट डिवाइड करना होगा, वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिखना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।